बनाया है, अपने आप से पूछ के बनाया है, कोई समाज से पूछा? अगर मान लो समाज से पूछा होता और कोई आदमी ये कहता कि मैं एक राजनीतिक पार्टी बनाना चाहता हूँ, तो समाज कहता भाई क्या करेगा राजनीतिक पार्टी का, कह रहे मैं पार्लियामेंट में जाऊँगा, लोगों का भला करूँगा, तो कह रहा ठीक है बना ले, तो वो समाज से पूछ के राजनीतिक पार्टी बनाता। फिर दूसरा आदमी आता, वो कहता जी मैं एक राजनीतिक पार्टी बनाना चाहता हूँ, समाज से पूछता, तो समाज उससे पूछता है भाई पहली राजनीतिक पार्टी चल रही है उसमें क्या दिक्कत आई जो तू दूसरी बना रहा है, तो पहली वाली से पूछता कि भाई पहली वाली में क्या दिक्कत है, दोनों को बैठाता और दोनों से कहता है कि पार्टी एक ही रहेगी, तुम दोनों ये देखो कि गड़बड़ कहाँ है, और जो ना मानता उसके कान पर तो लगाता समाज, उसको भगा देता, कहता पार्टी तो एक ही रहेगी, तुम दोनों में से जो गंदा है वो निकलो यहाँ से, जो 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 तुम दोनों में से खराब है वो जाओ। वो तीसरा भी कहता मैं पार्टी बनाऊंगा, तो उससे भी यही कहते हैं भाई पार्टी तो एक ही रहेगी, तुम तय कर लो कि तुम्हें अच्छा कौन है गंदा कौन है, हमको इससे लेना देना नहीं है कि तुम्हें अच्छा कौन है गंदा कौन है, पर पार्टी एक रहेगी। तो समाज कभी भी दूसरी पार्टी नहीं बनाता, समाज कभी भी दूसरा सामाजिक संगठन नहीं बनाता, पर यहाँ तो 40 तो बाम सेफ हैं, बाबा साहब की संस्था के इतने टुकड़े हैं, कितनी सारी RPI हैं, कितनी सारी BCI हैं, कितने सारे लड़कों ने दलबल बना रखे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई इनका कान पकड़ के नहीं मुर्गा बनाने वाला नहीं, कोई इनके कान पर मारने वाला नहीं, कोई इनको गरियाने वाला नहीं, क्यों? क्योंकि इनके संगठन हैं। आप अगर जाके कहोगे अरे तूने अलग अलग संगठन क्यों बनाया या तू अलग अलग संगठन क्यों बनाता, तो कह रहा तुझसे क्या मतलब, तू कौन भाई, तो आप पूछ नहीं सकते, क्योंकि वो सामाजिक नहीं है, वो प्राइवेट लिमिटेड हैं, वो कुछ व्यक्तियों के हैं, व्यक्तियों के अधीन है, व्यक्तियों के द्वारा है, व्यक्तियों के लिए हैं। पर संघ लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए